मकराना में नगर परिषद मकराना द्वारा जारी आवासीय पट्टा धारक के आवासीय मकान के मुख्य कटानी रास्ते को दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर बंद देने का मामला तो यह है कि पीड़ित गुमाना राम पुत्र सोना राम जाट ने उपखंड अधिकारी मकराना को खुद पेश होकर दबंगई आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत पेश कर अतिक्रमण को तत्काल हटाकर रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई थी। पीड़ित की गुहार लगाए लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। मौके से आज तक अतिक्रमण नहीं हटा। पीड़ित गुमाना राम अपनी पत्नी विकलांग पुत्र एवं परिवार के साथ वसुंधरा नगर के पास ट्रक यूनियन के पीछे अपने आवासीय भूखंड एवं मकान में निवास करता है। दबंगियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कटानी रास्ता बंद कर देने से उसका एवं आमजन का आवागमन बाधित हो गया है। पीड़ित गुमाना राम एवं उसकी पत्नी भंवरी देवी ने बताया कि उनका जीना दुभर हो चुका है। स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी अतिक्रमियों का कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आने से अतिक्रमियों का हौसला बुलंद हो गया है और हमारे साथ मारपीट कर हमारा पट्टा सुद भूखंड हड़प करने में लगे हुए हैं। आरोपी हमारे भूखंड के पीछे अनाधिकृत रूप से कॉलोनी काटने की आड़ में अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें जबरन भूखंड से बेदखल करने का कुप्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने उपखंड अधिकारी मकराना पुलिस थाना पर्वतसर सहित पुलिस एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि मैं परिवार सहित निवास करता हूं। घर से बाहर जाने का एकमात्र ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। जिस कटानी रास्ते से हमारा व आमजन का आना जाना होता है उस रास्ते पर गुलाब सिंह व बंकट सिंह ने JCB चला करके जबरन बंद कर दिया, जिससे मकान में आना जाना दुभर हो गया। पशुओं को पानी पिलाने एवं स्वयं के पीने का पानी जो टैंकरों से इसी रास्ते से आता था वह बंद हो गया। अतिक्रमियों की इस हरकत से एक माह से नारकेत जिंदगी जीने को मजबूर है। पीड़ित ने बताया कि अगर परिषद द्वारा आवासीय भूखंड का पट्टा बना हुआ है, उक्त पट्टा शुद्ध भूखंड के पूर्व की तरफ आम रास्ते को गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि रास्ता अवरुद्ध होने से पीने का पानी, घरेलू राशन घर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो गई है। यहां तक कि मेरा बीमार विकलांग पुत्र व पत्नी को इलाज के लिए वाहन से अस्पताल तक भी ले जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में साधन और सुविधा के अभाव में भूख प्यास से तड़प कर पशुधन व हमारे जनजीवन पर अकाल मौत का खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित ने पुलिस एवं प्रशासन से मानवता के नाते तत्काल कार्रवाई कर दोषी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने व आम कटानी रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जनजीवन को सुरक्षित करने की मांग की है। हम जाओ तो गंभीर लाल हम जाओ थोड़ा।
आपा की बात ठीक ही बना अपन ना अपन कौन बना पे ने ओ देर तो बने वो फायर ओ तो पता ना बड़ी बात के बहु बात और कर काई बनाए कर ले बना डर सब ही होता है ने एक बार हम पता के ए ना ना तोड़ बना ना अपन ना ना तोड़ ना अपन मानी हां मतलब ना अपन को तो लेने को ए जगह को आ वाली गुमानाराम जी ये आप अपने प्लॉट में खड़े हो इस समय? हाँ जी। क्या पूरा मामला है, कौन आपका या जो आपने बताया कि हमारे रास्ता रोक दिया गया है? ये रास्ता है इसलिए रोका है, मतलब ये कौन है, पूरी घटना बताओ क्या बात है? पूरी घटना ये लड़ने के लिए आगे ठोकने के लिए आगे और ये मतलब कौन है, क्या नाम है आरोपियों का, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है, क्या चल रहा है? उनका नाम है बंकट और हीराराम चेन्नाराम एक गुलाब जी। कब की बात है, क्या बात है पूरी? ये है देखो 20 तारीख से शुरू है, स्टार्ट है 20 दूसरा फरवरी से 20 तारीख से। ये मशीन जैसी लाके मशीन चलाऊंगा, यहाँ खड्डा खोदूंगा और ये का है इसमें मकान डावा डोले डावा ये का है इसमें। आपको जान से मारने की धमकी वगैरह कोई? जान से मारने की धमकी मार रहा था ना कि बड़ा में जाया कि पांच आदमी जाऊं तन मारूं मुझे मार दे आज बड़ा में बैठी। ये वो मतलब बच्चों को बाहर मत आना, आपको मतलब बहुत परेशान किया। अभी आपने बताया भाई पुलिस चौकी में आपके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या पुलिस वाला बुलाया तो आया को नहीं? पुलिस वाला पहले तो मौका मार पुलिस वाला कह के बंद करेगा तो कार्रवाई क्या करनी है। पुलिस वाला ने ये कहा कि आप परमिशन लेकर आ जाओ, परमिशन लेकर आ जाओ, नगर परिषद से परमिशन लेकर आ जाओ और उसका आप निर्माण करो। आप कोई लड़ने आते हैं तो हमारे को फोन कर दो। तो पुलिस लड़ने के लिए वो आ गए तो उसने मतलब पुलिस ने फोन किया, पुलिस फोन उठाए नहीं और वो लड़के मतलब हमारे मिसेज से वो जाली पकड़ी खींची और हमारे को बाहर मत आना डांटे, जोर जोर से गले गलोच काटी और इसी प्रकार की घटना है।